नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा आपका दोस्त सच्चा साथी। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी शानदार जबरदस्त नॉलेज लेके आया हूँ जो आज से पहले आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिलायंस का इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और धीरू भाई अम्बानी को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, उनकी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आप ऐसी गलती ना करें। उसको समझाने की कोशिश करूंगा। धीरूभाई अंबानी जी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने लाइफ में विल नहीं बनाई, जिसकी वजह से दोनों भाई, आप सभी को पता है उनकी डेथ के बाद कितना कहानियां चली, कितने कोर्ट केसेस चले, कितना ज़्यादा न्यूज़ में लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी को बंटवारे को लेके, कंपनीज के बंटवारे को लेके चली। देखो दोस्तों, आपकी फैमिली में भी दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे हो सकते हैं। आज हो सकता है उनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा अपनापन है। जब तक आप हैं तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपके बाद ये कोई गारंटी नहीं है उन बच्चों में वैसा ही प्यार, वैसी ही वर्किंग बनी रहेगी। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छी प्रॉपर्टी है और आपको समय रहते ये समझ आ गई है कि विल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ देर ना करें। और मैं उन सभी लोगों को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा जो टर्म प्लान को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं और उसको एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरे बनने के बाद जो टर्म प्लान का जो पैसा मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ को मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी आज आपकी है वो आपके बच्चे इक्वली अपने आप आराम से बांट लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जो आपकी वाइफ जो आपके ऊपर ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रही है, उसको छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा या सबसे बड़ा बच्चा टेकिंग केयर कर लेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको आज ही काम करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को अलग से सिक्योर करना पड़ेगा, आपके बच्चों को अलग से सिक्योर करना पड़ेगा, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर वसीयत, प्रॉपर विल बनानी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जो लोग भी बिजनेस ओरिएंटेड हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं लोन चल रहे होते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और बैंकिंग फंडिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा कर्जे में रहते हैं। आज वो हैं, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो दुनिया से गए तो बैंक वाले जहाँ जहाँ से लोन दिया हुआ है वो सब फैमिली के सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि अब हमारा लोन वापस कर दीजिए, पता नहीं आगे आप इस बिजनेस को सही से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। और उस टाइम पर आपके पास जो भी पैसा होता है, चाहे वो बैंक में पड़ा हो, FD में पड़ा हो, किसी भी तरह का गोल्ड हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज हो, वो सारी प्रॉपर्टीज पर बैंक का राइट हो जाता है, वो जल्दी से जल्दी पैसा निकालने की जरूरत में आ जाते हैं। और जो डेथ क्लेम का जो पैसा है, वो डेथ क्लेम का पैसा चाहे वाइफ को गया हो या किसी बच्चे को गया हो, वो उस पैसे को भी नहीं छोड़ते हैं, वो पैसा भी बैंक के पास चला जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक जेन्युइन सॉल्यूशन है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, विच इज कॉल्ड मैरिड वुमेन एक्ट। एक मैरिड वुमेन एक्ट होता है दोस्तों, जो लोग भी बिजनेसमैन हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अपने लिए कोई टर्म प्लान लिया है, सेविंग प्लान लिया है और उसमें नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया है और वाइफ को बनाने के साथ साथ MWPA में उसको रजिस्टर किया है, एक टिक करना पड़ता है पॉलिसी लेते वक्त, तो दुनिया में कोई भी लॉ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी लॉ उस पैसे पे क्लेम नहीं कर सकता, चाहे आपके ऊपर कितनी भी बड़ी लायबिलिटी क्यों ना हो। आपके जाने के बाद वो पैसा आपके वाइफ को ही मिलेगा, इवन बच्चे भी उसको क्लेम नहीं कर सकते। इवन जो बच्चे हैं एज ए लीगल हायर, वो बोले हमारी माँ का जो पैसा है, हमारे फादर के मरने का जो पैसा है, उस पे हमारा भी हक है, तो वो भी नहीं ले सकते। जो बैंकर हैं वो भी नहीं ले सकते, और जो मार्केट है जिन लोगों से भी आपने उधार लिया हुआ है वो लोग भी नहीं ले सकते। ये पावर है मैरिज वुमेन एक्ट के अंदर। इस पावर को आप लोग समझिए। अगर आपने आज तक कोई भी इंश्योरेंस लिया है, कोई भी टर्म प्लान लिया है और उसमें अगर आपने वाइफ को नॉमिनी बनाया है और MWPA एक्ट में रजिस्टर नहीं किया है, तो दोस्तों आपकी सारी वर्किंग जीरो हो सकती है, फेल हो सकती है,
और अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार पॉलिसी लेने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी आपको डिसाइड करना होता है और आपके एजेंट ने आपको समझाना होना चाहिए, और आपको समझ में आया होता तो आपने वो वर्किंग जरूर किया होता। अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, एक बार हमें कॉल कीजिए, बात कीजिए, उस नई वर्किंग हमारे साथ स्टार्ट कीजिए और उस वर्किंग में हम डे वन से आपको MWPA में रजिस्टर करके देंगे। आपकी वाइफ जेन्युइन नॉमिनी बनेगी और उसके लिए कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप मैं आपको समझा पाया, ये वर्किंग दे पाया कि आपको MWPA की पावर को समझना चाहिए, विल की पावर को समझना चाहिए और अपने परिवार को, अपने बिजनेस को अभी से सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र ब्रह्म।